हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर एडवाइस विद अ न्यू टॉपिक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक पोस्ट टैक्स पेमेंट के बारे में। जी हाँ गाइस, जब भी हमारी गाड़ी दूसरे स्टेट में जाती है तो हमें चेक पोस्ट टैक्स पेमेंट करना होता है। किस तरीके से पेमेंट करना होगा, बड़ा ही आसान सा तरीका बताऊंगा तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पूरे एंड तक बने रहना, चैनल पर नए हैं तो फटाफट से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, तो गाइस सबसे पहले परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी, parivahan.gov.in, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन है, नोटिफिकेशन को हटा देना है, ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन है। वहां पर जो है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो चेक पोस्ट टैक्स ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, चेक पोस्ट टैक्स वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप चेक पोस्ट टैक्स पर क्लिक करते हैं, ये पेज होम पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर बॉर्डर टैक्स पेमेंट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, बॉर्डर टैक्स पेमेंट पे क्लिक कर देना है और टैक्स पेमेंट पे क्लिक कर देना है। टैक्स पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जिस भी राज्य में आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर, यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट है, जिस भी राज्य में आप जाना चाहते हैं उस राज्य को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी राज्य में आप जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कर दिया उत्तर प्रदेश। उसके बाद सर्विस नेम वाले में आपको सेलेक्ट कर लेना है व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना और कर देना है गो। को करने के बाद यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर जो है ये टैक्स पेमेंट की डिटेल आ गई, तो यहाँ पर सिंपली आप गाड़ी का नंबर जो है वो टाइप कर देना है और गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपकी गाड़ी का नाम वगैरह सारी डिटेल ए टू जेड यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर जो है आपको एक एक्टिवेटेड फोन नंबर डाल देना ताकि उस पर जो है मैसेज आ सके आपका पेमेंट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्विस टाइप वाला ऑप्शन देख रहे हैं, सर्विस टाइप के अंदर आप एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल जो भी होगा वो नॉट एप्लीकेबल लिखा होगा। यहाँ पर टैक्स मोड है, डेज मंथ ये सब लिखा था, तो डेज मंथली क्वार्टरली, तो आपने डेज सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एक दिन के लिए जाना हो, दो दिन के लिए जाना हो, उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर बैरियर डिस्ट्रिक्ट थ्रू एंट्रिंग, जिस भी बॉर्डर से आप उस स्टेट में एंट्री कर रहे हैं तो उस बॉर्डर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद टैक्स फ्रॉम, यहाँ पर जो है डेट वाइज टैक्स कटता है, यानी कि अगर आज जो है दो तारीख है तो फिर दो तारीख तक ही वे वैलिड रहेगा, तीन तारीख जितने दिन के लिए आप करेंगे, जैसे कि यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर ली 15/11 और ज्यादा दिन के लिए करना डेज के लिए तो 30/11 इस तरीके से कर लेंगे। और आपको जो है सिर्फ सिंगल डे 15 की है तो 15 टैक्स फ्रॉम टैक्स अप टू जो जिस भी डेट तक वैलिडिटी चाहिए वो यहाँ पर आपने टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पर और कैलकुलेट टैक्स पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आने का पे टैक्स कर देना, पे टैक्स करने के बाद यहाँ पर आपका गाड़ी का नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, वेरीफाई कर लेना और कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद अमाउंट आ गया, अब यहाँ पर जो है पेमेंट मोड आ गया, SBI मल्टी बैंकिंग पेमेंट मोड, और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ पर जो है काफी सारे पेमेंट मोड यहाँ पर आ चुके हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड और SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, जो भी है तो जो भी आपको सुइटेबल लगे वो सेलेक्ट कर लेना। वो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कर देना है कंफर्म, कंफर्म करते ही यहाँ पर फिर से एक बार नीचे आ जाना, फिर से एक और बार कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अब डिटेल डालनी है, और इसी वीडियो में आपको एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे कि पेमेंट करा आपने तो वो फेल्ड हो जाती है, तो फेल्ड होने के बाद फिर दोबारा से जब आप पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर एरर आता है, तो उस एरर को क्लियर कैसे करना वो भी बताऊंगा। और यहाँ पर जैसे सिंपली आप पेमेंट कर देते हो, सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपकी रिसिप्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है इस तरीके की, ये आप देख लो, ये रिसिप्ट इस तरीके की जनरेट हो जाएगी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद, और फिर आप जो है अपने पास इसे सेव रख सकते हैं, आपके फोन में भी मैसेज आ जाएगा कि आपका टैक्स कटा हुआ, आपको बॉर्डर पर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बाय चांस पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो उसे सॉल्व कैसे करना वो भी इस वीडियो में साथ के साथ बता देता हूँ मैं। जैसे अगर ये फेल्ड हो जाए, पेंडिंग हो जाए, तो क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर जो है बॉर्डर टैक्स पेमेंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर रीवेरीफाई फेल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर देना, दोबारा जिस स्टेट में जा रहे हैं आप गाड़ी नंबर डाल देना है और गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर रीवेरीफाई का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये पेमेंट यानी कि फेल्ड हो चुकी है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गई, तो यहाँ पर आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चेक पेंडिंग ट्रांजेक्शन में भी जाना है और गाड़ी का नंबर डालना है और गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर गाड़ी का चेक स्टेटस में यहाँ पर
क्लिक कर दें, क्लिक करने का ऑप्शन आएगा अगर पेंडिंग में होगा तो यहाँ पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना, अगर पेमेंट फेल्ड हो जाएगी तो आप दोबारा से रीपेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप बॉर्डर टैक्स पेमेंट यानी कि चेक पोस्ट टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।